इस वक्त मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज मैं पता नहीं कि 9,500 से ज़्यादा असामियों पर जो मुश्तमिल जो असामियाँ हैं उनका केस आज दो रुकनी जो डिविजनल बेंच था, जस्टिस कामरान मलाखिल साहब और उसके साथ साथ जस्टिस सरदार अलीमी के ज़ेर समात वो समात हुई। आज 26 तारीख को यह समात मुकर्रर थी। आज हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से निगरान सूबाई वज़ीर तालीम कादिर बलोच जो है वो अदालत में पेश हुए। साथ में बड़ी तादाद में जो पास जो एस बी के कैंडिडेट्स थे वो भी अदालत में समात के दौरान मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए है कि आप मजीद असामियों के ये प्रोसेस जो है यहाँ पर रोक दें, आगे मजीद इसमें काम ना करें। मगर अदालत की जानब से ये कहा गया कि ये जो प्रोसेस हुआ है एस बी के की जानब से इस पर हमें एतराज़ात है, लिहाजा इस प्रोसेस को यहाँ पर रोक देना चाहिए। दूसरी जानब से जो निगरान वज़ीर तालीम है उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि 5,000 जो कैंडिडेट्स पास हुए इनको भर्ती करने का हुक्म दिया जाए। अदालत से उन्होंने इस्तदा की मगर अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान में सख्त जो है तालीमी एमरजेंसी है, यानी माना बेसिस पर 300 से ज्यादा असाज़ा जो है वो रिटायर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में 10,000 के करीब असाज़ा इस वक्त जो है हुकूमत बलूचिस्तान के जो महकमा तालीम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बलूचिस्तान को इस वक्त 10,000 से ज्यादा असाज़ा की ज़रूरत है। बाज ऐसे स्कूल हैं उन्होंने महकमा तालीम के जो सूबाई निगरान वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि अदालत के सामने कि 10,000 से ज़्यादा असाज़ा में ज़रूरत है इस वक्त। बाज ऐसे स्कूल है जो शटर लेस है, बाज ऐसे स्कूल है 5,000 के करीब जो एक उस्ताद पर मुश्तमिल है, लिहाजा असाज़ा की कमी है। जो महकमा तालीम है और साथ में जो स्कूल है जहाँ पर तारीख का फुकदान है वहाँ पर बेहतरी लाई जा सके। मगर अदालत आलिया की जानब से जो दो जजेस साहिबान पर मुश्तमिल बेंच था उन्होंने अहकाम सादर किए कि आप इस प्रोसेस को रोक दें, हम एच सी सी से बात करेंगे आज के समात को। उसमें एच सी सी के जो नुमाइंदगान इस्लामाबाद से और बलूचिस्तान के उनको मदु किया गया है, वो आकर के उनको बुलाया गया। अदालत की जानब से ये अहकाम जारी किए गए कि ये जो असामियाँ है हम दोबारा उन्होंने ये पेश तजवीज़ दी कि हम दोबारा ये असामियाँ जो है महकमा तालीम की जो 9,500 असामियाँ है दोबारा यही कैंडिडेट्स फीस जमा ना कराए। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स जो पास हुए वो भी दोबारा जो है टेस्ट लेने के लिए दोबारा जाएंगे। एच सी सी को हमने बुलाया है, उनसे तजवीज़ दी जाएगी कि आप ये असामियों का टेस्ट जो है कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। ये समाज जो है अदालत ने दोबारा मुकर्रर कर दिया गया। अदालत में बड़ी तादाद में जो साइलिन थे जो पास कैंडिडेट्स थे सुबह 9 बजे वो यहाँ पर अदालत आलिया में पहुँचे हुए थे। बड़े तादाद में जो कमरा अदालत है वहाँ पर रश लगा हुआ था। हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से जो इस वक्त बलूचिस्तान में ओवरऑल महकमा तालीम की सूरत हाल है, असाज़ा की कमी के हवाले से और जितने शटरलेस स्कूल है और एक उस्ताद पर मुश्तमिल जो स्कूल है वो तमाम तर डिटेल जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने महकमा तालीम ने जो है अदालत आलिया के सामने टेबल कर दिए। तो उनसे जो जज थे कामरान मलाखिल साहब उन्होंने कहा कि हम तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे। दोबारा 2 नवंबर को जो है एच सी सी के जो मुंबरान हैं उनको तलब किया गया, साथ साथ में जो सूबाई वज़ीर तालीम निगरान उनको तलब किया गया। उसके बाद देखा जाएगा कि इस टेस्ट को दोबारा जो 9,500 असामियाँ हैं इसको इसी फर्म के जरिए एस बी के ज़रिए किया जाएगा या दोबारा जो है एस सी सी के हवाले किया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर फैसला होगा। अदालत की आज की समाअत जो है वो 2 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दी गई।